पंजाब ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने आईपीएल की सबसे तेज 50 लगाई। आईपीएल 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स मैच में पंजाब ने दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली ने 166 रन बनाए। गंभीर ने 51 रनों की कप्तानी पारी खेली, लेकिन पंजाब के लिए केएल राहुल ने जीत की राह आसान कर दी। उन्होंने सिर्फ 14 बॉलर्स में 51 रन बनाए। ये आईपीएल की फास्टेस्ट 50 है। इसके पहले यूसुफ पठान ने 15 बॉलर्स पर 50 रन बनाए थे। पंजाब के लिए आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान ने शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेट लिए। बता दें कि साउथ इंडिया से आने वाले आर अश्विन को पंजाब की कप्तानी सौंपी गई है। उनके लिए ये काम आसान नहीं होगा। वहीं केकेआर छोड़कर दिल्ली की टीम से जुड़ने वाले गौतम गंभीर की एक तरह से घर वापसी है, क्योंकि वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। के पास बैलेंस्ड टीम है। बैटिंग में युवराज, केएल राहुल, एरोन फिंच, मयंक अग्रवाल और नई सनसनी मंजूर दारूर पांडव हैं। वहीं बॉलिंग में खुद अश्विन, परिंदर सरन और अंकित राजपूत हैं। पंजाब की ताकत को डेविड मिलर जैसे बैट्समैन दोगुना करते हैं। हालांकि मिलर को स्पिनर्स के सामने अक्सर मुश्किल होती है, लिहाजा गौतम गंभीर इस बात को जरूर दिमाग में रखेंगे। गौतम गंभीर, ऋषभ पंत और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, तो बॉलिंग में मोहम्मद शमी, कगिसो रबाडा और आवेश खान हैं। इसके अलावा शाहबाज नदीम हैं, जो आईपीएल में अक्सर बैट्समैनों को परेशान करते आए हैं। अगर गौर से देखें दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप हर लिहाज से पंजाब से बेहतर नजर आता है।